प्रथम तहलका न्यूज। पंचकुला के सेक्टर 2 में पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में ओम प्रकाश धड़कर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें साधारण परिवार का कार्यकर्ता बिना किसी साधनों के किसी भी उच्च पद पर आसानी से पहुंच सकता है। इसके लिए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बिना मांगे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सम्मान से नवाजा है और इसके लिए वो गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धनखड़ ने कहा कि भाजपा में बिना मांगे ही दायित्व सौंप दिया जाता है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ महामंत्री और सचिव की जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुके हैं। उन्होंने भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के कृषि मंत्री के तौर पर भी कार्य किया है। कि बिना मांगे बीजेपी में मिलता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़ी लॉबिंग होती है, लोग जाते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अनेकों दायित्व भारतीय जनता पार्टी में मिले, कभी किसी को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं बीजेपी हरियाणा का महामंत्री बना, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बना तब मुझे पता चला, मैं पार्टी का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना वेंकैया जी की टीम में, अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे वहीं फ़ोन आया कि आपको ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनावे। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो ट्रेन में था, कोई विचार भी नहीं था मुझे बनाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक बैठक पटना में संपन्न हुई थी, हम सब वापस लौट रहे थे, ट्रेन में ही मुझे फोन आया कि आपको किसान मोर्चा का अध्यक्ष कर दिया गया। और कल भी मैं अपने निवास पर था गुड़गांव में, सो रहा था, बल्कि जग भी नहीं रहा था, बार बार मुझे फोन की घंटी बजी तो मैं उठा और मैंने देखा कि नड्डा साहब का फोन आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा क्षमा करें मैं सो रहा था। उन्होंने कहा उठ जाओ, तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे हैं। और वो विवेकानंद जी वाला वाक्य, उद्दीप जागृत प्राप्त बनानी बोली, लक्ष्य को प्राप्त करो, उस काम के लिए लगो, उन्होंने कहा। ये बहुत ही असंभव सी बातें हैं जो सामान्य से विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं और ये हमारे साथी इस बात के साक्षी हैं कि बीजेपी में होता है। ये बहुत करिश्माई बात है, आज की बहुत बड़ी बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे मित्र आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि मुझे ये दायित्व के लिए मुझे मेरा चयन किया गया, मुझे दायित्व सौंपा गया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक ही मंत्र के साथ मैं चला हूँ और उसी मंत्र के साथ मुझे यश भी मिला है, गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। तो औरों का सर्वश्रेष्ठ है। कई बार व्यक्ति केवल अपना ही सर्वश्रेष्ठ देने में रह जाता है, अपनी टीम का बेस्ट नहीं ले पाता। अपनी टीम का भी बेस्ट लेना और अपना भी बेस्ट लेना, उससे जो सिनर्जी बनती है, उससे जो यात्रा होती है सफलता की, वो गजब की यात्रा होती है। अनेक संगठनात्मक ताकतों से मेरा यह अनुभव है, इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पार्टी ने संयम के साथ मास्क, सैनिटाइजर, इम्यूनिटी बूस्ट के उपाय के साथ कार्य किया है, इसलिए देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने नहीं देंगे और इसे सजगता के साथ सीमित रखने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीजीआई में कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि इस बार बड़ौदा चुनाव की चुनौती अवसर में बदलेगी, हम बड़ी आसानी से चुनाव जीतेंगे। देखिए, मैं बड़ौदा का एक दौरा करके आया हूँ और उमंग जी, बड़ौदा में काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी समय विपक्ष में रहा है और बड़ौदा विकास के लिए अब काफ़ी इच्छुक है। पीने के पानी की कठिनाई है कई स्थानों पर नहर के पानी की भी उपलब्धता जैसी चाहिए वैसी नहीं है। बिजली की टाइमिंग का भी विषय थे जब मैं गया, और सड़कों की कई स्थानों पर हालत अच्छी नहीं है, लोगों ने कहा कि ये ठीक कराइए। बहुत सारे मुद्दे बड़ौदा के हैं। वहाँ एक नारा चलता रहा, तम हारे मैं थारा, मैं थारे तम हारे। अब लोग इस विषय से थोड़ा आगे जा रहे हैं कि मारा थारा बहुत हो गया, 10 साल उनका शासन भी था तब बड़ौदा के लिए कुछ किया नहीं, 6 साल ये निकल गए, अब लोग काम चाहते हैं।
लोग चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह से अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। लोग समझदार हैं, हरियाणा के लोग पॉलिटिकली बहुत जागरूक हैं और देख रहे हैं कि कांग्रेस निकल रही है, कांग्रेस के नौजवान कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, सिंधिया साहब भरोसा नहीं कर पाए, पायलट साहब भरोसा नहीं कर पा रहे और कितने दिन भरोसा करेंगे। केवल मैं नहीं कह रहा, विद इन इन्वर्टेड कॉमाज कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि सामर्थ्यहीन नेतृत्व के साथ लंबा चलना आसान नहीं है। जो केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व की स्थिति हो रही है, ये मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के अनेक लोगों के शब्द आपने भी सुने हैं, मैं केवल आरोप नहीं कर रहा, और उसके कारण से कांग्रेस बिखर रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि शब्द कुछ और होता है, जान किसी और में होती है। अगर आप किसी से कहते हो मैं आपको प्रेम करता हूँ तो आप उसका ख्याल रखते हो कि नहीं? प्रेम की जान केयर करने में, अगर आप ख्याल नहीं करते तो आप केवल कहते हो। ऐसे ही अनुशासन कब होता है? जब श्रद्धा होती है, नेतृत्व पर विश्वास होता है। इन दो वैल्यूज में अनुशासन होता है। जब विश्वास नहीं रहता, श्रद्धा नहीं रहती, तो अनुशासन भी नहीं रहता। ऐसे बिखरती हुई कांग्रेस को हम देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई भविष्य जब देश की कांग्रेस का नहीं है तो लोग हरियाणा कांग्रेस का भी भविष्य बहुत दूर तक देखते नहीं है। इसलिए जिस प्रकार के नारेबाजी पहले चलती रही, लोग उससे बाहर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनौती बीजेपी के लिए अवसर में बदलेगी। पहले भी बड़े कम मतों से हम वहाँ चुनाव में पीछे रहे थे, मुझे लगता है कि बड़ौदा का चुनाव बीजेपी जीतेगी। वहीं इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने बड़ौदा उपचुनाव पार्टी में कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की अपील की और कहा कि हम कड़ी मेहनत करके आसानी से जीत जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करती है या नहीं और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष के जीत के दावे कितने सफल साबित होते हैं। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट।